अगर यहाँ पे अपने को मिल जाता तो यहाँ से अपने एडेप्टर परचेस कर लेंगे। आईफोन का जो रिसीव एडेप्टर आया था 1900 रुपए का पड़ा, और कितनी ज्यादा मट्टी आ चुकी देख सकते हो आप। ये रहा अपना आईफोन का ओरिजिनल चार्जर। तो मम्मी के फोन का कवर में लेने के लिए आया हुआ था, तो यहाँ पे भी नहीं है। मैंने अभी लगा दिया टफन ग्लास। जब उन्होंने परचेस कर लिया है जो मुझे फ्री मिले एयरपोर्ट से, आप लोगों में दिखा देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार आदाब, केम छू एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिलिन माइल्स व्लॉग। तो एक बार फिर से आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। तो गाइस क्या ही बताऊँ, पिछले 10 दिनों से मेरी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, एकदम हालत ख़राब हो चुकी थी। मतलब लूज मोशन इतने ज़्यादा हो चुके, डॉक्टर के पास गया तो पेट में मुझे इन्फेक्शन हो चुका था। तो अभी जाके थोड़ा अच्छा लग रहा है। मतलब पिछले 4-5 दिन से तो मैंने कुछ खाना ही नहीं खाया था, ईद की नमाज जैसे जैसे पढ़ी और एनर्जी इतनी ज़्यादा लो हो चुकी थी, उठने का मन ही नहीं होता था। 4-5 दिन तक पूरा रेस्ट किया मैंने, काफ़ी टाइम से गाइस ब्लॉग भी नहीं आ पाया। तो आज थोड़ा अच्छा फील हुआ, सुबह 2-3 दिन से मैं दवाई खा रहा हूँ, थोड़ा भी अच्छा फील हुआ है। तो आज जाके जो मैंने पिछला ब्लॉग मैंने शूट किया था वो आज मैंने एडिट किया हुआ है, उसको मैंने अपलोड कर दिया, 5 बजे अपलोड हो जाएगा। आप सबकी दुआ से मैं अच्छा फील कर रहा हूँ, काफ़ी बेटर फील हो रहा है। और इंस्टाग्राम पर मैंने स्टोरी भी डाली थी कि मेरी तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, पर आप सबकी दुआ से आप अभी मैं एकदम बढ़िया हूँ, ब्लॉग कर रहा हूँ। और जिसने भी अच्छे अच्छे बेस्ट विशेज दिए, दुआएं करी, उन सबके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब ने बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए दुआएं भी की है, तो जिसने दुआएं करी अपनी हेल्थ के लिए तो बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा। और अभी टाइम हो चुका है गाइस 4:50, अभी नहा धो के एकदम फ्रेश हो चुका हूँ। अभी भी थोड़ी एनर्जी डाउन है तो मैंने सोचा अब तो व्लॉग करते ही हूँ। काफ़ी सारे लोगों के मैसेज आए थे इंस्टाग्राम पर, DMs आए थे कि भाई व्लॉग कब करने वाले हो, व्लॉग कब आएगा, रील कब आएगी। फिर भी मैं बीमार था, उसके बाद भी मैं रील तो डेली अपलोड करता ही था, सिर्फ कल मैं नहीं कर पाया क्योंकि कल मैं गया हुआ था नानी के यहाँ पे, तो बकरा ही थी इस वजह से गाइस। और बहुत ही हिम्मत करके गया हुआ था, वैसे मन तो नहीं था पर मम्मी ने थोड़ा फोर्स किया कि चल बेटा। तो कल मैं नानी के यहाँ पे था और गाइस लूज़ मोशन करके रही थी, इतनी ज़्यादा एनर्जी डाउन हो चुकी थी, मैं अच्छे से बोल भी नहीं पाता था, मतलब मेरी आवाज़ भी अच्छे से नहीं निकल पाती थी। पर अभी थोड़ा लिक्विड पर हूँ, ज़्यादा लिक्विड ही खा रहा हूँ, खाना वगैरह बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड कर दिया क्योंकि डॉक्टर ने मना किया है हैवी फूड खाने के लिए। तो डॉक्टर ने मना किया हुआ है हैवी फूड खाने के लिए, तो अभी मैं ज़्यादा 3-4 दिन तो मैं लिक्विड ही पी रहा हूँ, जैसे कि वाइटल जेड हो गया या फिर नींबू पानी हो गया, इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक्स वगैरह सारी मैं भी पी रहा हूँ। अपने लाइफ में एक बढ़िया चीज़ ऐड हुई है, तो क्लियरिटी देख के आप लोगों को पता चल गया आपके पापा इस। अब फाइनली आप सबकी दुआ से मैंने अभी अपग्रेड कर लिया अपने आईफोन को। पहले आप सबको पता मेरे पास आईफोन 10R था, उसके अंदर 64GB था, तो मेमोरी का बहुत ही ज़्यादा इशू हो रहा था। तो कल जाके मैं परचेस करके आया हूँ iPhone 13 128GB, जिसके अंदर मैं ब्लॉग कर रहा हूँ। तो फाइनली ड्रीम कंप्लीट होते हैं, मुझे थोड़ा टाइम लग गया, वैसे मैंने लिया हुआ ये सेकेंड हैंड आईफोन है, बाकी इसकी जो कंडीशन है ना मैं आप लोगों को बताऊँगा, बहुत ही मस्त कंडीशन है, बहुत ही बढ़िया कंडीशन है इसकी। और 128GB सबसे ज़्यादा मुझे रिक्वायर्ड थी, उसकी मेमोरी चाहिए थी, जो कि आप सबको पता है अपने ब्लॉग करते हैं, रील वगैरह सब शूट करते हैं, तो सबसे ज़्यादा अपने को रिक्वायरमेंट होती है मेमोरी की। वो फर्स्ट ऑफ मेमोरी अपनी अपग्रेड हो गई है और क्लियरिटी से आप लोगों को पता चल रहा होगा। इसके साथ जो मुझे मिला था बिल बॉक्स मिला था, सिर्फ उसके साथ मिला केबल, फिर उसके साथ मुझे फ्री मिले इन्होंने एयरपोर्ट्स भी मुझे फ्री दिए हुए, वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। आईफोन के नहीं है, थोड़ी सस्ती क्वालिटी वाले हैं। इसके अलावा उन्होंने जो एडेप्टर, आप सबको बताया नया फ़ोन लेते तो एडेप्टर नहीं मिलता, तो एडेप्टर मुझे परचेस करना पड़ेगा। फ़ोन कवर चाहिए, उसके बाद स्क्रीन गार्ड लगाना पड़ेगा, मतलब स्क्रीन प्रोटेक्टर लगाना पड़ेगा, उसके लिए मैं जा रहा हूँ दाढ़ी लिमड़ा। इनका जो फ़ोन ख़राब हो चुका था 3-4 दिन पहले, मैंने वहाँ पर दिया हुआ था रिपेयर करने के लिए, वैसे उसका फ़ोन आया था कि भाई लेने का बार हो, मैंने उनको बोला भाई तबीयत ठीक नहीं है, तो 4-5 दिन से फ़ोन वहाँ पर पड़ा हुआ है, तो अभी अपने चलते हैं फ़ोन लेके, उसका फ़ोन लेके फ्रेंड को देने के लिए जाएंगे और वहाँ से अपने फिर परचेस करेंगे इसका एडेप्टर। ओरिजिनल एडेप्टर आप सबको बताइए 2000 के आसपास आता है, तो मुझे ओरिजिनल ही परचेस करना पड़ेगा। और इसका जो एयरपोर्ट्स है मैं आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कल मैं लेके आया हुआ था, ये रहा अपना जो मुझे फ्री मिले एयरपोर्ट से, मतलब बर्ड से, और अच्छा नहीं बोलेंगे, चाइना टाइप का बोल सकते हैं, पर इसकी जो साउंड है ना बहुत ही अच्छी निकल के आती है। तो एक बार आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ, ये पॉट्स मिला है, इसके साथ मिला है मुझे चार्जर और ये कुछ इस तरह के पॉट्स है गाइस, देख सकते हो इसका जो बॉक्स है ना बहुत ही मस्त है, ये देखिए। तो ये मुझे फ्री मिले हुए, और ये एक मिला इसका केबल है, और जहाँ से मैंने परचेस किया है उसमें से मुझे मिला है ये बॉक्स,
सो देखिए भाई, आईफोन 13 का बॉक्स है, बिल भी इसके अंदर है, बिल बॉक्स दोनों मिला है, और ये भी अपने को फ्री मिला है, इसके साथ ये भी फ्री दिया हुआ है, पर इसका एडेप्टर नहीं, एडेप्टर अपने को परचेस करना पड़ेगा, क्योंकि अभी बची हुई है इसके अंदर बैटरी सिर्फ और सिर्फ 30%। तो फटाफट से चलते हैं अपने इसका एडेप्टर परचेस करेंगे, इसके ऊपर लगाएंगे स्क्रीन गार्ड, फिर लगाते हैं इसके पास अपने, अच्छा सा कोई कवर मिलेगा तो कवर भी लगा देंगे। तो ये तीन चीज़ें भाई मुझे मिली हुई है, बट सो यार गाइस मैं इतना यूज़ नहीं करता, पर देखते हैं कभी ऐसा लगेगा तो रील भी बनाने के लिए तो अपने यूज़ करेंगे इसको। और गाइस मैं आप लोगों को अपना हेल्थ अपडेट दे देता हूँ, आप देख सकते हो मेरा जो पेट है ना भाई पूरी तरीके से एकदम कम हो चुका है। तो मेरा वेट था 72 था, और जब मैंने वेट करवाया तो 68 kg मेरा वेट हो चुका है, मतलब 4 किलो मेरा वेट भी कम हो चुका है, इतना ज़्यादा हालत ख़राब थी आप सोच सकते हो, 4 किलो मेरा कम हो चुका है, 68, 69, 70, 71, 72। अभी मेरा फ़िलहाल जो वेट, पहले इसके जब मैं उदयपुर गया था तब मेरा वेट था अराउंड 72, पर अभी हो चुका है 68 kg वज़न। तो आप समझ सकते हो कि हालत कितनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, क्या ही ख़राब हालत हो गई अपनी बाइक की। और ये वाला जो बाइक का कवर था ना पूरी तरीके से फट चुका है, इसका कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा अब तो यार, इतनी ज़्यादा मिट्टी आ चुकी है ना इसके ऊपर, क्या ही बताएं आप लोगों को। और एक और नुकसान मैं आप लोगों को बता दूं, देखिए ये पूरा इसका वाइजर पूरी तरीके से टूट चुका है, पता नहीं बंदर ने तोड़ा, सिक्योरिटी वाला ऐसा बता रहा है कि बंदर ने तोड़ा, मुझे लग नहीं रहा बंदर ने तोड़ा या सच्ची में किसने तोड़ा हुआ है। और अभी मैं जा रहा हूँ स्प्लेंडर लेके, मौसम हो चुका है एकदम बढ़िया, बस ऐसा चाहता हूँ कि मौसम ऐसा ही बना रहे। और एक और काम आ चुका है, मम्मी का फ़ोन का भी कवर लेना है, मम्मी ने बोला कि उनका फ़ोन का कवर भी ख़राब हो चुका है, तो साथ साथ जा रहे तो लग गया अपने वो वाला काम भी निपटा देते हैं। सो गाइस अभी आ चुके हैं पे सलमान मोबाइल पे, और अपना जो फ्रेंड का फ़ोन था जो मैंने रिपेयर करने के लिए दिया हुआ था अभी कम्प्लीट हो चुका है, और अपने फ़ोन के अंदर भी टफन लगा दिया, और इसके बाद अपनों ने लिया हुआ है स्मोक कवर। अभी मैं दोस्त को कॉल लगा रहा हूँ पेमेंट के लिए, और इसका कम्प्लीटली फ़ोन हो चुका है, तो यहाँ पे अपना काम ख़त्म होता है। MI का फ़ोन है उसका, तो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, अभी अपन चलते हैं दूसरी जगह पे, तो अगर वहाँ पे मिलता है तो वहाँ से अपने परचेस कर लेंगे, क्योंकि MI के फ़ोन बहुत ही ज़्यादा पुराने हो चुके हैं, तो इनके पास कवर अवेलेबल है नहीं। तो भाई इसके अंदर भी लगा दिया टफन ग्लास, मैंने उसको कॉल किया था फ्रेंड को, उसने बोला कि टफन भी डलवा दे, और उसके साथ साथ अपने डलवा लेते हैं इसके अंदर कवर भी आ जाएगा। तो मम्मी के फ़ोन का कवर में लेने के लिए आया हुआ था, तो यहाँ पे भी नहीं है, और वहाँ पे भी पूछा तो वहाँ पे भी कवर अभी है नहीं, क्योंकि ये फ़ोन जो है बहुत ही ज़्यादा पुराना है, मम्मी का कवर है पूरी तरीके से फट चुका है। तो ये भाई ने बताया कि रिलीफ रोड पर शायद मिल जाएगा, उन्होंने ऐसा बोला कि रिलीफ रोड पर शायद 90% चांसेस है मिलने के। मैं देखते हैं इसका क्या करते हैं, अभी 2-3 शॉप आगे है वहाँ पर चेक करते हैं, फिर चलते हैं आगे, अपना इसको एडेप्टर भी परचेस करना है। तो चले गए अभी एक और शॉप दिखे यहाँ पे, अब चेकआउट करते हैं, 2 शॉप तो ऑलरेडी मैंने चेक कर लिया है, वहाँ पे अपने को कवर नहीं मिले, तो यहाँ पे एक शॉप है यहाँ पे भी जाके चेक करते हैं, कवर अवेलेबल है तो ले लेंगे, नहीं तो फिर अपने चलते हैं सीधा। ये कुछ शॉप है सैम मोबाइल हब, कहीं से भी आ चुका अपने हिमालय मॉल में, यहाँ पे एक स्टोर है यूनिकॉर्न करके, तो देखते हैं अगर यहाँ पे अपने को मिल जाता तो यहाँ से अपने एडेप्टर परचेस कर लेंगे। तो ये रहा कुछ स्टोर है, चलते हैं फटाफट अंदर। तो फाइनली गाइस अभी उन्होंने परचेस कर लिया है, आईफोन का जो रिसीव एडेप्टर आया था 1900 रुपये का पड़ा, इसका मुझे डायग्नोस भी कराना था, जहाँ से मैंने परचेस किया तो उन्होंने बोला था कि आप जो है एक बार डायग्नोस करवा देना, अगर करवा दे तो भी ठीक है, नहीं करवा दे तो भी ठीक है, पर अपनी सेफ्टी के लिए मैं इसको करवा लूँगा। पर यहाँ पर इनका जो सर्विस सेंटर है वो नीचे बेसमेंट में है, पर अभी फ़िलहाल जो है क्लोज़ हो चुका है, तो मैं कल आऊँगा इसका डायग्नोस कराने के लिए, इसका रिपोर्ट लेके अपने अपनी सेफ्टी के लिए रख सकते हैं, बाकी करवाना नहीं करवाना वो आपके हाथ में। अभी उन्होंने परचेस कर लिया इसका एडेप्टर, अपने चलते हैं घर पे। गाइस इस फोन का कोई दिक्कत तो नहीं है, वैसे ठीक ठाक चल रहा है, मैंने पूरा इसको कंप्लीट यूज करके देख लिया हुआ है, पर फिर भी अपनी सेफ्टी के लिए मैं डायग्नोस रिपोर्ट करवा लूंगा, इन फ्यूचर प्रॉब्लम आता है तो अपने इसको डील कर सकते हैं। ये रही अपनी स्प्लेंडर, चलते हैं भाई। भाई अभी आ चुके घर और टाइम हो चुका है 9:30, और यहाँ पे मैं आपको हाल दिखा था अपनी वॉल ऑफ फेम का, कितनी ज़्यादा मिट्टी आ चुकी है देख सकते हो आप, बहुत ही ज़्यादा मिट्टी है, इसको साफ़ करनी पड़ी है, अभी थोड़े अपने अच्छे हुए थे उसको क्लीन करेंगे। और एडेप्टर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये इसके अंदर है इसका बिल, बिल भी आ चुका है अपना, ये मैंने परचेस किया यूनिकॉर्न से, इसका डायग्नोस करवाने का था पर स्टोर बंद हो चुका था, तो अपने कल या परसों जाके करवा लेंगे। और ये रहा अपना आईफोन का ओरिजिनल चार्जर,
मम्मी के फोन के कवर की बात, तो मैंने 400-500 चेकआउट किया, 400-500 में आप लोगों ने देखा ही, क्योंकि वो पुराना फोन है तो हो सकता है उनके पास अवेलेबल नहीं था। दूसरी शॉप पे एक एड्रेस दिया, वहाँ पे मैं कल जाके चेक करूँगा, अगर नहीं मिलेगा तो फिर मुझे जाना पड़ेगा रिलीफ रोड पे, रिलीफ रोड पे इसका पुराना कवर मिल जाएगा। तो बस एक काम अभी बचा हुआ है, मम्मी को कवर ला के देना है, वो काम भी अपने कल कंप्लीट कर लेंगे। एंड आई होप गाइस आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, और आज मैंने पूरा दिन आईफोन से शूट किया है, तो व्लॉग की क्लैरिटी कैसी बताना, क्योंकि अभी मैं ट्राई कर रहा हूँ इसके अंदर कैसे व्लॉग करते, क्योंकि मुझे हैबिट है गोप्रो के अंदर करने की। आईफोन में क्लैरिटी और वॉइस का थोड़ा आपको इशू रहेगा, क्लैरिटी तो एक नंबर मिल रही है, वॉइस का थोड़ा कई बार इशू होता है। तो आप जो है कमेंट करके बताना कैसा रहा इसका एक्सपीरियंस, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा ईजी पड़ा एज़ कम्पेयर टू गोप्रो में जो व्लॉग करते हैं, कैमरे के अंदर काफ़ी अच्छा रहता है आईफोन के अंदर। एंड आई होप गाइस आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब, तब तक के लिए सी यू, बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़, और मिलते दोस्तों ऐसे किसी मज़ेदार और शानदार व्लॉग में गाइस। I got the juice like a snow cone, ice in my veins and a cold flow, I'm getting cash overseas by the boatload, you wanna ride my wave, that's a no-go, senoritas going loco, make it bounce like a pogo, all my haters see rojo, they big mad cause they coming up short like Frodo, activate the beast mode, I keep it hot, give your brain a heat stroke,